नमस्कार, एमपी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्ष ठाकुर। मिर्ची बाबा, मध्य प्रदेश की राजनीति में मिर्ची बाबा की चर्चा अक्सर होती रहती है, लेकिन उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि मिर्ची बाबा को भोपाल पुलिस ने डीएनए सैंपल के लिए लेकर आई थी। डीएनए जांच जो है वो मिर्ची बाबा की होने वाली है। क्या मामला है विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। दरअसल मिर्ची बाबा पे हाल ही के दिनों में एक महिला ने रेप का, दुष्कर्म का आरोप लगाया था। इस मामले में अब कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है कि मिर्ची बाबा का डीएनए सैंपल लिया जाए और इस मामले की आगे फिर जांच होगी। आपको बता दें कि रायसेन की एक महिला ने संतान का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप मिर्ची बाबा उर्फ वैराग्यनंद गिरी पर लगाया था। वहीं गुरुवार को डीएनए सैंपल लेने के लिए पुलिस मिर्ची बाबा को लेकर भोपाल के ही जयप्रकाश अस्पताल पहुंची। सुरक्षा के बीच में आरोपी मिर्ची बाबा का डीएनए सैंपल लिया गया, जिसके बाद उन्हें जेल वाहन से वापस भोपाल केंद्रीय जेल भेज दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि जिस वक्त मिर्ची बाबा हॉस्पिटल में डीएनए सैंपल देने के लिए पहुंचे थे, उस वक्त पीड़ित महिला भी अस्पताल में मौजूद थी और काफी हंगामेदार वहां पर रहा। बता दें कि मिर्ची बाबा को देख पीड़ित महिला ने मिर्ची बाबा पर कई आरोप लगाए, साथ ही काफी चीख चिल्लाहट भी करती हुई जो महिला है वो दिखाई दी। आपको बता दें कि आरोपी मिर्ची बाबा को दूर से देखकर ही महिला भड़क गई। उस महिला ने कहा कि ये भगवा वस्त्र क्यों पहने हुए हैं, भगवा को बदनाम कर रहा है। महिला कहती हुई नजर आई कि ये सबसे बड़ा पापी है, इसे फांसी की सजा होनी चाहिए और ना जाने मेरे जैसी कितनी महिलाओं को बच्चों का लालच देकर अपनी दरिंदगी का शिकार इसने किया है। आपको बता दें कि 8 अगस्त 2022 को मिर्ची बाबा को भोपाल पुलिस ने ग्वालियर से गिरफ्तार किया था। 8 अगस्त से ठीक दो दिन पहले यानी कि 6 अगस्त को एक महिला ने रायसेन पुलिस में महिला थाने पहुंचकर मिर्ची बाबा के खिलाफ दुष्कर्म के मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी और इस मामले में उस वक्त डीएनए सैंपल नहीं लिया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि मिर्ची बाबा का डीएनए सैंपल लिया जाए और इस मामले में डीएनए जांच भी कराई जाए। फिलहाल मिर्ची बाबा का डीएनए सैंपल ले लिया गया है, जिसके बाद इस मामले की जांच जो है वो आगे बढ़ेगी। इस मामले में जो भी अपडेट होगा वो एमपी तक सबसे पहले आप तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।